ये है भाई हमारे पड़ोस में रहने वाला जानू, और आज हम बना रहे इसके लिए क्या बना रहे भाई? नाल। क्या करेगा इस नाल का? तोड़ेंगे दिवाली के। दिवाली के दिन तोड़ेंगे। किस चीज से? बारूद से। बारूद से। तो हम देख लेते हैं भाई इसकी नाल कैसे बनेगी। ये एक पाइप है, हमने इसको काट लिया 45 डिग्री में, यानी 45 डिग्री में। एक छोटा पीस ये है, अब इसको हम यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, कैसे कैसे हम इसका पूरा प्रोसेस करेंगे और सबको सिखाएंगे कि ये गंधक पोटास को फोड़ने वाली नाल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पाइप को आगे वेल्ड कर देंगे जो हमने 45 डिग्री में काटा हुआ था। इसको हम अच्छे से वेल्ड करना है ताकि कहीं से भी कोई लीक ना हो, जब हम इसके अंदर बारूद डालें तो वो नीचे ना गिरे। ये हमारी पूरी वेल्ड हो गई है, अब इसको हम चेक कर रहे हैं एक बारी कि हमारी सही से वेल्ड हुई है या नहीं। और अब हम इसमें एक हैंडल लगाएंगे, ये पाइप हमने लिया है हैंडल के लिए, और हम इसको यहाँ वेल्ड करने वाले हैं। जल्दी से कर लेते हैं इसको वेल्ड, और अच्छे से वेल्ड करने के बाद हम इसको देखेंगे इसकी लंबाई, ज़्यादा तो नहीं है। काफ़ी सारी बनके तैयार हो गई हमारी। इसका हैंडल कुछ लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हैंडल को। हैंडल काफ़ी बड़ा हो गया, इसकी बचे हुए पाइप की भी और ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पाइप के अंदर हमने एक वर्सल वेल्ड किया है ऊपर वाले मुंह की तरफ, जिससे हम रोड को सेंटर में पाइप के चलाएंगे जो गंधक पोटास को फोड़ेगी। यहाँ एक वार्सल हमने रोड के साथ और वेल्ड किया है। इससे पहले जो वार्सल वेल्ड किया था उन्होंने पाइप के साथ किया था, और दूसरा वार्सल हम रोड के साथ कर रहे हैं ताकि रोड हमारी बैक न मारे और सही जाके एंड पोजीशन पे रुक जाए। और जो हमारी एक्स्ट्रा रोड थी वो हम उसको काट देंगे, और जो हमारे पास दूसरा पाइप जो कट पीस बचा था वो पाइप को हम इस रोड के साथ पकड़ने के लिए हम जोड़ देंगे। ये जानू की भाई दुनाली तैयार हो गया दिवाली के लिए। दिखाना जानू कैसी लग रही है, अब कैसा लग रहा है भाई जानू? ये हमारे पूरे मोहल्ले की टीम, और जानू कितना खुश। अभी इसकी करेंगे टेस्टिंग, ठीक है भाई? चल कर